सामूहिक विवाह सम्मेलन से जुड़ा एक अजीबोगरीब फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। वर्ष 2015 में हिंडोरिया में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में एक नाबालिग बालिका की समग्र आईडी का नंबर उपयोग कर फर्जी विवाह करा दिया गया। इसका खुलासा सोमवार दोपहर उस समय हुआ जब परिजन अपनी बेटी का विवाह 7 जुलाई को पथरिया में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में कराने के लिए आवेदन करने पथरिया पहुंचे थे। आपको बता दें कि वर्ष 2015 में हिंडोरिया में एक बहुत बड़ा सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें करीब 1500 से अधिक शादियां करने का दावा किया गया था, जबकि मौके पर इतने वैवाहिक जोड़े पहुंचे ही नहीं थे। इसके बाद पूरे विवाह सम्मेलन को लेकर फर्जीवाड़ा उजागर होने लगा और मीडिया में खबरें प्रकाशित हुई। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले में जाँच शुरू की। कुछ दिन तक जाँच चली, फिर ठंडे बस्ते में चली गई। जाँच में फर्जीवाड़े भी उजागर हुआ था, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते इस पूरे फर्जीवाड़े को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कुछ दिन जांच चली, फिर ठंडे बस्ते में चली गई। जांच में फर्जीवाड़ा भी उजागर हुआ था, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते इस पूरे फर्जीवाड़े को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन का शिकार ये परिवार हुआ है, जिसमें 10 साल की बच्ची की समग्र आईडी लगाकर उसके नाम पर विवाह करा दिया गया। जनपद सीईओ का कहना है कि ऑनलाइन बेटी की शादी होना बताया जा रहा है, लेकिन यदि परिजन कह रहे हैं कि शादी नहीं हुई है तो हम उसकी जांच कर लेंगे। हम लोग यहाँ सम्मेलन के लिए आए थे, विवाह सम्मेलन फॉर्म जमा किया था, तो पता चला है मतलब उस आईडी पर, हमारी बहन की आईडी पर, कि सम्मेलन हो चुका है 10 साल पहले। भैया सुनील के पथरिया में यहाँ सम्मेलन हो रहा है, तो हमने सोची थी कि शादी कर ली मैं अपन सम्मेलन, जैसे कागज तय हो गए, बोल रहे हैं कि आपकी माने बहन की शादी हो चुकी है 2015 में, शादी हो चुकी।